हे गाइस, वेलकम टू स्वाति आर्ट स्टूडियो। दिस इज़ मी स्वाति। तो आज के वीडियो में मैं एक और रिव्यू कर रही हूँ, और ये रिव्यू है कैमल के आर्टिस्ट वाटर कलर ट्यूब का जो सेट है, 24 शेड्स का सेट आता है ये, एंड इसका मैं रिव्यू करूँगी। सो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये वाटर कलर्स मैं पहले से यूज़ करती हूँ, जो मेरे पास एक ही वाटर कलर की वैरायटी है आज तक जो मैंने यूज़ करी है, एंड वो यही वाले वाटर कलर्स हैं। बट डिफरेंस ये है कि जो मैं यूज़ करती हूँ वो 20 ml का ट्यूब है, इतना बड़ा इसका साइज़ आता है, एंड ये सिंगल सिंगल ट्यूब्स मिलते हैं, और मैं सिंगल सिंगल ट्यूब्स ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो शेड मेरे पास ख़त्म हो जाता है, जो मुझे चाहिए होता है, सिर्फ मैं वही ख़रीदती हूँ। तो बट डिफरेंस ये है कि जो इस सेट में जो शेड्स हैं वो हैं तो ज़्यादा 24, बट वो 5 ml के ट्यूब्स हैं। तो मुझे आदत बड़े ट्यूब्स यूज़ करने की, मुझे ज़्यादा पसंद है, थोड़े बड़े में ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है। सो एनीवे, मैं इसका स्वॉच करूँगी जितने भी इसमें शेड्स हैं। अब इसमें से कुछ शेड्स ऐसे हैं जो मैंने पहले से यूज़ किए हैं, क्योंकि मैं 5-6 शेड्स यूज़ करती हूँ अपनी सारी पेंटिंग्स को बनाने के लिए, एंड बाकी जो कलर्स चाहिए होते हैं वो मिक्सिंग करके बन जाते हैं, तो इतना बड़ा कोई इसमें इशू नहीं है। बट सिंस आई गॉट दिस सेट ऑन माई बर्थडे एक्चुअली, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई आउट ऑल द शेड्स दैट आर देयर इन दिस सेट। सो यार, जल्दी से रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्वॉच करूँगी। आई नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस पेंट्स विच इज़ रियली गुड, एंड लास्ट में हम पेंटिंग करके देखेंगे, एंड उस पेंटिंग में मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा शेड इस सेट के मैं यूज़ करूँ, ताकि मुझे पता लगे कि क्या डिफरेंस आता है मिक्सिंग करके शेड्स बनाने में। मतलब थोड़े मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंट्स हमारे पास हैं, तो उससे हम मिक्सिंग करके कुछ बना रहे हैं, एंड अगर मेरे पास बहुत सारे अलग अलग शेड हैं तो मैं क्या कितना कलरफुल और अपनी पेंटिंग को बना सकती हूँ, तो यही हम इस रिव्यू में चेक करेंगे। लास्टली, इसमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ शेड है, कैमलिन ब्लू। आई थिंक ये कंपनी स्पेसिफिक कोई शेड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो मैं ट्राई आउट करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बट वन थिंग, मैं स्वॉच करते हुए आपको सारे शेड्स के बारे में बताऊँगी, बट वन थिंग दैट इज़ मिसिंग, जो कि मुझे यहाँ पे मतलब दिए हुए इन्होंने शेड्स कौन कौन से सेट में शेड्स हैं, बट एक शेड मुझे जो चाहिए था वो था पर्पल का कोई, या तो मॉव होता या ब्रिलियंट पर्पल होता, तो वो होता तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता, बट इसमें वो नहीं है इस पैक में, तो वो एक मुझे कमी लगी। खोलने से पहले ही मुझे ऐसा लगा कि पर्पल होना चाहिए था एक। सो एनीवे, हम लोग जल्दी से इसको खोलते हैं एंड रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सो ये पैक इस तरह से दिखता है, एंड इसमें 24 ट्यूब्स हैं, बट काफ़ी छोटे ट्यूब्स हैं, तो अभी पता लग जाएगा कि साइज़ कितना है, सिंस आई एम यूज्ड टू यूजिंग 20 ml। सो देखते हैं कितना छोटा रहेगा जो 5 ml वाला ट्यूब है। तो ये रहे सारे शेड्स, काफ़ी सारे शेड्स हैं, एंड इनमें से बहुत सारे शेड्स के तो नाम मैंने सुने हुए हैं, बट मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ कि किस तरह का कलर उनको लगाकर मिक्स हो सकता है, या अकेले भी वो कैसे दिखते हैं। सो काफ़ी सारे ऑरेंज काइंड ऑफ शेड्स दिख रहे हैं, अर्थ टोन्स काफ़ी सारी हैं, ग्रीन एंड ब्लू के काफ़ी सारे टोन्स हैं। ऑल्सो इसमें सेट में पेंट्स ग्रे भी इंक्लूडेड है, जिस कलर के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज काफ़ी फेमस कलर है पेंट्स ग्रे, एंड इट इज़ अ कूल ग्रे कलर। सो ये कलर है पेंट्स ग्रे, और एक है इसमें से आइवरी ब्लैक। अब ये ना बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है, बिकॉज जो आइवरी ब्लैक है कलर, उसके ऊपर ब्राउन का कलर कोडिंग है, और जो पेंट्स ग्रे है उस पर ब्लैक का कलर कोडिंग है। सिंस जो पेंट्स थे वो उल्टे सीधे लगे हुए थे, सो आई वांटेड कि जो सेम काइंड ऑफ कलर्स हैं, जैसे ब्लू के सारे शेड्स, येलो के शेड्स, ग्रीन के सारे शेड्स, वो साथ साथ में, इसलिए मैंने सोचा कि रीअरेंज कर देती हूँ।
अपनी जो पैकिंग है उसको चेंज किया है। अब जो पैकिंग आई है उसमें इस तरह से आर्टिस्ट इन्होंने लिखा रहेगा, चेंज किया है। सो बट ये नई पैकिंग में बहुत वियर्ड चीज़ें इन्होंने करी हैं। इसमें एक चीज़ है, आइवरी ब्लैक, एंड ब्लैक के ऊपर तो ब्लैक नहीं है, कुछ ब्राउन सा शेड किया हुआ है। एंड इधर पेंट्स ग्रे है, ग्रे के ऊपर जो कोडिंग है वो एकदम ब्लैक है। एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली वियर्ड कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है। एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे ये पैकिंग आई थी सेकेंड नंबर पर इन लोगों की, फर्स्ट जो सबसे पुरानी पैकिंग है वो ये वाली है, सबसे पुरानी पैकिंग है ये वाली। इसमें कलर कोडिंग बहुत ही सही करी हुई थी इन लोगों ने, कोई भी कलर में मिस्टेक नहीं थी। एंड जब से ये सेकंड पैकिंग इन्होंने चेंज करी, एंड इसमें ये सैप ग्रीन कितना गलत इन्होंने कलर कोडिंग करी हुई है। एंड इसके बाद ये वाला सैप ग्रीन आता है, तो काफ़ी कलर कोडिंग में इररेगुलरिटीज़ हैं जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। बिकॉज ये भी देखो एक्रेलिक का कलर कोडिंग में कुछ और ही है, वाटर कलर में कुछ और ही है। सो लेट्स सी। एंड सबसे वियर्ड तो इस सेट में मुझे ब्लैक एंड पेंट्स ग्रे का कलर कोडिंग लगा। अब अगर मैं इसको ना पढूं नाम तो ये मुझे लगेगा कि ये ब्लैक है, और इसको मैं ना पढूं तो ये मुझे लगेगा कि ये ब्राउन कलर है। आई थिंक इतनी बड़ी कंपनी है तो इतनी चीज़ों का ध्यान मुझे लगता है कि रखना चाहिए था। एनी वे लेट्स स्वॉच दैम रियली वरिड कलर कोडिंग देखने के बाद कि कलर्स गड़बड़ ना हो इसमें। सो या लेट्स क्विकली स्वॉच दैम एंड फाइंड आउट। ऑल्सो वन मोर थिंग मैं जो मैंशन करना था वो ये था कि साइज़ में मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रही थी। सो दिस इज़ 20 ml एंड दिस इज़ 5 ml। अब इतनी छोटी ट्यूब्स के साथ ये सीन होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको यूज़ करूँगी एंड ये ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। सो बट गुड थिंग इज़ कि दिस इज़ काइंड ऑफ अ ट्रायल हो जाएगा कि मैं कौन कौन से शेड्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, एंड देन आई कैन यू नो बाय द 20 ml ट्यूब। सो दैट इज़ गुड, दैट इज़ द गुड थिंग। स्वॉच करने के लिए मैं ये यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने मिक्स मीडिया स्केच बुक आपको दिखाई थी। ये आपने मेरी देखी होगी जो पेस्टल वाटर कलर्स वाली वीडियो थी, उसमें भी मैंने ये वाली स्केच बुक यूज़ करी थी। सो अब चलो इसको स्वॉच कर लेते हैं फटाफट से। वाइट से स्टार्ट करते हुए मैं सारे कलर स्वॉच करूंगी ब्लैक तक। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। ओके, ये क्या हुआ? आई एम गोना पुट दिस ऑन माय पैलेट, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है खुद से, मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया है।
यहाँ पर मेरे स्वाचेस कंप्लीट हो गए हैं एंड एज यू कैन सी काफ़ी जो ब्लूज़ हैं काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, ग्रीन्स भी हैं, बट एक प्रॉब्लम है जो एमराल्ड ग्रीन है वो टेक्सचर वाइज सही नहीं है बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बाइंडर से पिगमेंट अलग हो गया है एंड सेम गोज विद द नेपल्स येलो शेड, वो भी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ये दोनों कलर्स के अलावा बाकी सारे कलर्स काफ़ी अच्छा टेक्सचर है एंड काफ़ी वाइब्रेंट भी है। बाकी जो येलो ऑकर है और रॉ सियाना है उसमें मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है इन दो कलर्स में। इसके अलावा जिस कलर को ट्राई करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी जो कि पेंट्स ग्रे कलर है, फटाफट से मैं अपने कलर्स पैलेट पर निकालती हूँ, उसके बाद मैं अपनी इलस्ट्रेशन करूँगी। तो मैंने एक फेस ड्रॉ किया है एंड इसमें जो मैंने रेफरेंस पिक्चर है ये मैंने पिंटरेस्ट से ली थी। अब इस पिक्चर की स्पेशलिटी ये थी कि इसमें दोनों कूल टोन्स और वार्म टोन्स दोनों काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड आउट थे, क्योंकि फेस के एक तरफ जो है वो कूल टोन्स यानी कि ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट पड़ रही थी एंड फेस के एक तरफ वार्म टोन्स जो कि रेड येलो ऑरेंज इस तरह के कलर्स की शाइन पड़ रही थी। तो इस तरह से जो इस पैक में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं काफ़ी सारे शेड्स दिए गए हैं उनको यूज़ मैं कर सकती थी, मतलब उतना स्कोप था इस रेफरेंस पिक्चर में, सो इसीलिए मैंने ये रेफरेंस पिक्चर ली। अब बात कर लेते हैं कलर्स की। तो सबसे पहले जो फर्स्ट चीज़ मैंने नोटिस करी जो मुझे अच्छी लगी वो थी जो ब्लू ग्रीन कलर आया है फेस के, जो मतलब अभी आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो कलर फेस के वो काफ़ी अच्छा कलर निकल के आया, जो कि अगर मैं नॉर्मल अपने पुराने वाले कलर्स यूज़ करती, क्योंकि जो ग्रीन मैं यूज़ करती हूँ वो है सैप ग्रीन और मोस्टली मेरा जो ब्लू कलर होता है वो होता है प्रूशियन ब्लू, तो उन दोनों को मिक्स करके ये वाला ब्लूइश ग्रीन कलर तो डेफिनेटली नहीं बनता है। तो जो इस पैक में अलग अलग ग्रीन्स हैं और जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट ब्लूज़ हैं उनको मिक्स करके ये एक कूल टोन जो बनी है ये काफ़ी अच्छी है और आई वुड डेफिनेटली अगर ये वाली ट्यूब्स ख़त्म होने के बाद मैं ये वाले कलर्स ज़रूर 20 ml वाली ट्यूब्स वाले पैक में ज़रूर बाय करूँगी। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मैंने देखी वो जो ऑरेंज कलर है वो भी जो ब्रिलियंट ऑरेंज आई थी वो भी काफ़ी अच्छा कलर मुझे लगा, बिकॉज वो काफ़ी ब्राइट है एंड इतना ब्राइट कलर मिक्सिंग करके नहीं बन पाता, सो मे बी मैं थोड़ा और अलग अलग पेंटिंग्स में यूज़ करके देखूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं वो भी बाय करूँगी। इसके अलावा अब जो हेयर में मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो है पेंट्स ग्रे। अब एक चीज़ अच्छी मुझे ये लगी क्योंकि मैंने जैसा कि बहुत बार अपनी वीडियोज़ में ये चीज़ बोली है कि मेरे पास ब्लैक कलर नहीं होता और ना ही इतना कोई डार्क कलर होता है, मतलब जैसे कि पेंट्स ग्रे थोड़ा ब्लैक से सिमिलर कलर है, ऐसा कोई कलर मेरे पास नहीं है। तो मैं कलर मिक्सिंग से ब्लू के साथ रेड एंड देन उसमें ग्रीन मिक्स करके थोड़ा बहुत ब्राउन मिक्स करके मैं अपने जो हेयर होते हैं जो डार्क एरियाज़ होते हैं मेरे पोर्ट्रेट्स में उसके लिए यूज़ करती हूँ। बट सिंस अभी मैं देख रही हूँ कि ये पेंट्स ग्रे का काफ़ी अच्छा कलर है, इट्स नॉट कम्प्लीटली ब्लैक बट ब्लैक का इफ़ेक्ट ये देता है, सो आई वुड डेफिनेटली बाय दिस कलर ऑल्सो जब ये वाली छोटी वाली ट्यूब ख़त्म हो जाएगी। सो ये कलर बाय किया जा सकता है क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है कलर मिक्सिंग करने में डार्कर एरियाज़ के लिए, हालांकि मैं अपना पुराना वाला प्रोसेस नहीं छोड़ूंगी बिकॉज़ उससे एक काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं जो भी एरियाज़ में करती हूँ, बजाय कि मैं एक सिंपल पूरा पेंट्स ग्रे को यूज़ करके हेयर कलर करूँगी, ऐसा मैं नहीं करूँगी। बट जो डार्क एरियाज़ होते हैं जिसके लिए मुझे बार बार मिक्सिंग करनी पड़ती है, मे बी उस प्रोसेस को ईजी करने के लिए मैं ये वाला पेंट्स ग्रे यूज़ कर सकती हूँ। सो यही मेन पॉइंट्स थे इस रिव्यू के।
अगर मैं 3 कलर्स की बात करूँ जो मैं 20 ml वाली पैकिंग में ले सकती हूँ, वो हैं एक तो आपका विरिडियन ह्यू हो गया, कोबाल्ट ब्लू हो गया, एंड थर्ड वन इज़ पेन्स ग्रे। अगर मेरा मन किया तो आई विल ऑल्सो गो अहेड एंड बाय द ब्रिलियंट ऑरेंज कलर, बिकॉज मुझे काफ़ी ब्राइट एंड अच्छा लगा वो कलर। इसके अलावा कोई भी ऐसा कलर नहीं है जो मैं सोचती हूँ कि मैं बड़ी पैकिंग में लेना चाहूँगी। सो अगर मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आपको ये पैक बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सो आई वुड से कि बाइंग इंडिविजुअल कलर्स इन द 20 ml पैकिंग इज़ मोर बेनिफिशियल। अगर आप भी वाटर कलर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इंडिविजुअल ट्यूब्स बाय करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी एंड आपका पैसा उन्हीं कलर्स पे लगेगा जो आप एक्चुअली यूज़ करते हो। सो या दैट वाज माय रिव्यू। होपफुली आपको मेरे रिव्यू से ये आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से कलर्स बाय करने चाहिए सो दैट आपको पूरा पैक नहीं बाय करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा एंड आपको हेल्पफुल कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाई।